आज से कई साल पहले भोलेनाथ का एक मंदिर हुआ करता था, जो किसी कारण खंडर में बदल गया था। मंदिर की दीवारों में कई सांपों ने अपना बसेरा बना लिया था। उसी रास्ते पे एक मस्जिद हुआ करती थी, जहां लोग रोज नमाज पढ़ने जाते थे। मस्जिद में जब भी नमाज होती, सांप बड़े गौर से देखता। एक दिन सांप ने सोचा, जब नमाज की इतनी महिमा है, मैं भी नमाज में शामिल हो ही जाता हूँ, शायद मुझे भी जन्नत मिल जाए, फिर क्या था। सांप बिल से बाहर निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा, लेकिन जैसे ही सांप मस्जिद पहुंचा, लोग सांप को देखकर लाठी डंडों से मारने लगते हैं। सांप किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और उसी मंदिर में शिवलिंग पर आकर लिपट गया। उसी रास्ते से एक पुजारी गुजर रहा था। उसने सोचा, एक मिनट रुककर भोलेनाथ के आगे माथा टेक लिया जाए। लेकिन पुजारी ने सांप को शिवलिंग पर लिपटा देखा और शोर मचा दिया, और लोग जमा हो गए। सांप पर दूध चढ़ाने लगे और आरती शुरू हो गई। सांप ने सोचा, मैं भी किस गलतफहमी में फंसा बैठा था। मैं वहां नमाज पढ़ने गया और लोगों ने मेरा स्वागत लाठी डंडे से किया, और मैं भोलेनाथ की शरण में क्या आया। मेरी तो पूजा ही होने लगी, मुझे नाग देवता का दर्जा प्राप्त हो गया।